यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब जो चर्चा है वो हम करने वाले हैं, केसी मलकानिया साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और बहुत बारीकी से जानते हैं इनेलो को भी और जो पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा में उनको भी। मलकानिया साहब आप ये बताइए जी, अजय चौटाला का जो अब बयान सामने आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह के बयान से को लेकर ये भी साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो शहीद हो गए साहब। देखो अजय चौटाला जी का जो दर्द है दिल का वो अब बिल्कुल सामने आ गया, छलका है उनका दिल से जो दर्द है वो बाहर निकल रहा है, वो अपना गुवार भी निकाल रहे हैं और वो इस बात को जानते हैं कि अभय चौटाला के साथ उनके पिता श्री हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और जब तक वो सर्वे सर्वा हैं विधायक उनके साथ रहेंगे और जहां पार्टी और विधायक और पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे, कार्यकर्ता तो अजय चौटाला साहब के साथ भी है परंतु अभय चौटाला के साथ विधायकों का जाना एक मजबूरी भी है क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जिधर जाएंगे जब तक पार्टी के बीच स्पष्ट लाइन नहीं खींची जाती तब तक उनको ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला के साथ जाना पड़ेगा और अभय चौटाला को विधायिका को पार्टी से ना निकालना। इस पर चर्चा करेंगे मलकानिया साहब, और भी जान लेते हैं कि और क्या कुछ कहा गया अजय चौटाला के द्वारा। डीएस अहलावत खबरें तक संवाददाता जिनसे लगातार जानकारी दे रहे हैं, डीएस अहलावत इस बयान के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दीजिए कि अजय चौटाला ने और क्या क्या कहा है। जी आज मीटिंग से निकलने के फौरन बाद अजय चौटाला ने कहा कि अपना झंडा और अपना डंडा होगा जिसकी आज घोषणा की जाएगी और सर्वसम्मति से जो आज कार्यकर्ताओं की और कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए हैं जिनका खुलासा उदा ग्राउंड में जाने के बाद किया जाएगा। ये बड़ी खबर है, क्या माने की अभी स्पष्ट हो चुका है की नई पार्टी हरियाणा में अब आने वाली है एक और? जी बिल्कुल, इसमें कोई जो है नहीं, अभय चौटाला अजय चौटाला जी ने अभी मीटिंग से निकलने के फौरन बाद इस बात के संकेत दिए हैं कि अपना झंडा और अपना डंडा होगा और उसकी घोषणा उनका ग्राउंड में कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके फौरन कर दी जाएगी क्योंकि अभी जो कार्य प्रदेश कार्यकारिणी की जो मीटिंग चली हुई थी इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है, उस फैसले को अभी जनता के सामने रखा जाएगा। यानी औपचारिकता वश अब सब कुछ होगा, मंच से सिर्फ ऐलान किया जाना बाकी है, बाकी ये साफ हो चुका है कि हरियाणा में एक और पार्टी आ चुकी है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, मीटिंग में ये एजेंडा पास कर दिया गया है कि नया झंडा और नया डंडा होगा, उसकी घोषणा उड़ा ग्राउंड में अभी अजय चौटाला करने वाले हैं। जी हाँ, बैठक के बारे में और क्या जानकारियां मिल पा रही है, क्या एक मत से सभी ने ये फैसला लिया है? जी यहाँ जो भीड़ का अगर अनुमान लगाया जाए तो भीड़ एक प्रकार से बेकाबू होती दिखाई दे रही है जिससे गदगद होके दिग्विजय चौटाला ने भी ऐसे इशारे इशारों में कहा कि अपना झंडा और अपना डंडा होगा और उसकी घोषणा अजय चौटाला जी अभी आपके बीच में फौरन आके करने वाले हैं। जी कितनी देर तक जो है अजय चौटाला मंच पर पहुंचने वाले हैं अगर बताएं दर्शकों को आप? मीटिंग जो वहाँ होटल में जो मीटिंग चली हुई थी, मीटिंग से अजय चौटाला निकल चुके हैं, वहाँ निकलने से वहाँ से और यहाँ तक का 15 और 20 मिनट का रास्ता है, उसके फौरन बाद आधा घंटा के अंदर अंदर इस बात की घोषणा कर दी जाएगी हरियाणा में एक और पार्टी का वजूद आज अस्तित्व में आ जाएगा। जी आज ये भी बताइए डीएस की नाम क्या हो सकता है, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जी अभी तक इस बात का किसी ने कोई खुलासा नहीं किया है नाम क्या होगा क्योंकि नाम जब तक अगर डीएस वहां पर कोई गतिविधियां चल रही है जो आप सुनना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आपके पास फिर से हम आएंगे, शायद वहां पर कोई बयान भी जरूर आप सुन पा रहे हैं। फिलहाल आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, सुनिए वहां पर क्या कुछ हो रहा है और हम चर्चा करेंगे यहाँ पर लगातार जो है बारीकियां हैं कि क्या मायने हैं इस तरह के विवाद के और क्या कुछ ही पलों में अब आगे होने वाला है। मलकानिया साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलकानिया साहब ये देखिए किस तरह से अब नई पार्टी का गठन होने जा रहा है हरियाणा में। देखो प्रातःकाल ही जब ये बैठक शुरू होने वाली थी तभी दिग्विजय ने कहा था कि सब कार्यकर्ता अपने साथ डंडा लेकर आए हैं और उनका कहने का मतलब था भाई इसमें झंडा डालना है, इसका बड़ा स्पष्ट संदेश था कि आज पार्टी नई बनेगी और नई पार्टी की घोषणा की जाएगी। परंतु कई बार ऐसी शंका भी लग रही थी कि हो सकता है कि ये चंडीगढ़ में है चल रही कार्यकारिणी की बैठक का इंतजार करें, वहां क्या कुछ किया जाता है उसके बाद। मलकानिया साहब इंतजार दोनों तरफ ही हो रहा है, दोनों यहां पर भी वो कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता 4 बजे करेंगे, हो सकता है कि अजय चौटाला तब तक बोल चुके हों,
प्रेस वार्ता तो बार बार आगे डाली जा रही है और हो सकता है अभी भी और इंतजार करें, हो सकता है वो पार्टी का नाम सुनने के बाद ही कोई निर्णय लें। और कई बार तो स्थितियां बदल जाती है, जब एक पार्टी नई बन गई और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, जैसे कह दिया वो चश्मा गिफ्ट कर रहे हैं छोटे भाई को, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि उन्होंने इन लोगों से अपना नाता तोड़ दिया और अब नई पार्टी का गठन होगा ही। और ये जो स्थिति थी पहले भी स्पष्ट नजर आते थे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का जो आशीर्वाद है वो अभय चौटाला के साथ था, इसीलिए उन्होंने पहले अपने पोतों को निकाला फिर बेटे को निकाल दिया। अब नैना चौटाला की जो भाषा है वो तीखी हो गई है, वो तो चुभेगी, तो इसलिए अब रास्ते तो अलग हो चुके हैं, परंतु कौन सा रास्ता कौन अपनाता है ये अब क्या आज एक मंच तैयार होगा या सीधा पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा? नहीं, पार्टी का ऐलान भी हो सकता है, मंच तो तैयार हो ही चुका, मंच तो जो जननायक सेवा दल है क्या उसी नहीं, नाम पर वो उसको सामाजिक नाम दिया जाता था, परंतु हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अच्छा मलकाने साहब, एक सवाल ये भी है, देखिए दर्शक जानना चाहते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ, ये भी उनके मन में सवाल होगा कि एकदम से सब कुछ हुआ नहीं है। जननायक सेवा दल में जान फूंकने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है, सभी को ये मालूम है, उन्होंने एक जो नियम पहले बना था उसको फिर से दोहराया है कि जो ये गैर राजनीतिक दल है, एक मंच है, उसमें कोई भी इनेलो में नहीं जाएगा। जो प्रवक्ता थे इनेलो के वो भी कहते थे कि हाँ दुष्यंत चौटाला ने ही इसका दोबारा से जो है इसमें जान फूंकने का काम किया है, जिंदा किया है जननायक सेवा दल को। क्या लगता है कि पहले से ही जमीन तैयार की गई थी, अब तो ये सिर्फ औपचारिकताएं दिखाई दे रही है, रणनीति पहले ही बनाई गई थी? जब ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी जेल चले गए तो उन्होंने पार्टी की जो कमान है एक तरह से ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभय चौटाला जी को सौंप दी, और अभय चौटाला जी ने उसको पार्टी को चलाया भी ठीक तरह से चलाया, परंतु उसमें जो योगदान दुष्यंत चौटाला का था वो बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने युवा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा, दिग्विजय सिंह और दुष्यंत चौटाला का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता, परंतु इन्हें लगा कि हमें पार्टी के बीच में निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे जो योगदान को है उसको समझा नहीं जा रहा है, और जो चाचा जी हैं वो हमें निगलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सकें, और उनके सिर पर ना पिता का हाथ था ना दादा का हाथ था। साहब आपसे जरूर जानेंगे कि वो कौन से ऐसा काम हुआ है या कौन से ऐसे वाक्य थे जिनमें ऐसा लगा कि दुष्यंत चौटाला को, दिग्विजय चौटाला को कि वो नेगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके चाचा उन्हें, इस पर जरूर बातचीत होगी और चर्चा भी करेंगे, दर्शकों को बताएंगे।